लेखक मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर उज्जवल पाटनी बोल रहा हूँ। साथियों, बीते कई दिनों से मेरे पास कुछ मेल, पत्र, व्हाट्सएप, यूट्यूब पे कमेंट्स आए। इनफैक्ट कुछ लोगों ने मुझसे प्रोग्राम्स में भी कहा कि सर, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमको इंग्लिश नहीं आती, इसलिए हम लोग कई जगह अपने आइडिया व्यक्त नहीं करते सर, इसीलिए हम वैसी जगह जाने में संकोच करते हैं, इसीलिए सर हम कहीं पर भी अपनी बात रखते हुए हिचकते हैं, इसीलिए सर हम ऐसी जगह अवॉइड करने लग गए। एक मेरा प्रोग्राम है एक्सीलेंस ग्रुप को, आपने कई बार मुझसे उसके बारे में बात सुनी होगी, जो कि पर्सनल और बिजनेस सक्सेस पर आधारित है। मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, अलग अलग जगहों पर हो रहा है, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हिस्सा ले रहे हैं। उसका भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा आपसे शेयर करता हूं। उसके एक बैच में बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे और उस बैच में हुआ यूं कि एक जगह लोगों को लिखना था कौन सी वो तीन चीजें हैं जो उनको सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेट करती है, हीन भावना में ले आती है। जब मैंने उनकी शीट्स पढ़ी तो 25 में से कम 6-7 की शीट में ये लिखा हुआ था, सर इंग्लिश नहीं आने की वजह से बहुत हीन भावना है, सर अपने एजीएम को एड्रेस नहीं कर पाते हैं, सर कोई मेल का रिप्लाई करना होता है तो स्टाफ की मदद लेनी पड़ती है, सर फॉरेन ट्रिप्स में हमेशा किसी को साथ रखना पड़ता है, सर बड़ी मीटिंग कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में असिस्टेंट्स को लेके जाना पड़ता है। पूरे भारत में जितने लाखों करोड़ों लोग इंग्लिश नहीं आने की वजह से परेशान है, आज मैं आपको दो कड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज देना चाहता हूं। पहला मैसेज, इंग्लिश नहीं आना शर्म की बात नहीं है, भाषा से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है आपके कॉन्फिडेंस है। कई बार आप मध्य प्रदेश में रहते हैं, आप तेलुगु नहीं जानते, आप कन्नड़ नहीं जानते, आप मलयालम नहीं जानते, लेकिन उन राज्यों में जाते हैं और अपनी बात आप समझा लेते हैं, आप एक टैक्सी ड्राइवर को समझा लेते हैं, एक होटल वाले को समझा लेते हैं, आप बात समझा लेते हैं, भाषा बहुत बड़ा बैरियर नहीं है। सबसे बड़ी चीज है आपका आत्मविश्वास, सबसे बड़ी चीज है आप खड़े होकर अपनी बात रखने की क्षमता रखते हैं कि नहीं, सबसे बड़ी चीज है आपके भीतर लोगों का सामना करने का साहस है कि नहीं, सबसे बड़ी चीज है आपके भीतर अपना कंफर्ट जोन छोड़ने का और अपने आसपास के हर्डल्स को तोड़ने का साहस है कि नहीं। अरे भाषा तो बहुत बाद में आती है, और बड़े बड़े लोग देश में और कई नेता, कई उद्योगपति, अलग अलग जगह से ऐसे उदाहरण है जिनका अंग्रेजी पर अधिकार नहीं है, लेकिन या तो वो मास लीडर है, या तो वो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, बड़े कॉर्पोरेट है, बड़े आर्टिस्ट है, क्या फर्क पड़ता है। जिस चीज में आपका हुनर होना चाहिए, यदि आपका हुनर है तो मुझे आपकी भाषा से कोई मतलब नहीं। यदि आप एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं लेकिन आप एक अच्छी भाषा नहीं जानते हैं, आप हिंदी में ही बात कर सकते हो, तो आपका डॉक्टर होना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, अच्छा डॉक्टर, बाकी भाषा बाद में आती है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, कहीं भी गलती से अपना आइडिया व्यक्त करने से मत हिचकिए, कहीं भी खड़े होकर अपनी बात रखने से मत हिचकिए, भले टूटी फूटी सही जितने शब्द आते हो, बात रखिए, बात में दम होगा, भाषा एक किनारे उखाड़ के फेंक दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूं, इंडिया में खाली 2-4 ट्रेनर बॉडी लैंग्वेज पे काम करते हैं, जिसमें से सौभाग्य से एक मैं हूं। हम बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स को, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को बिजनेस बॉडी लैंग्वेज सिखाते हैं, यहां हाथ रखने से क्या होता है, यहां हाथ रखने से क्या होता है, ऐसे खड़े होने से क्या होता है, ऐसे हाथ रखने से क्या होता है, होंठ ढका गए तो क्या होता है, आंख रगड़ी तो क्या होता है। जब हम इनको सिखाते हैं, आप जानते हैं हम इनको सबसे पहली बात क्या बोलते हैं, सबसे पहली बात हम इनसे कहते हैं, टोटल भाषा में सिर्फ 35% महत्व वर्बल लैंग्वेज का, कहीं कहीं किसी रिसर्च में 37 मिल जाएगा, लेकिन 40 से ज्यादा वो आपको किसी रिसर्च में नहीं मिलेगा, और बचा हुआ 60-65% या 70% महत्व इस बॉडी लैंग्वेज का है, एक्सप्रेशंस का है, जेस्चर का है, पोस्चर का है, जो मैं आपके सामने इस वक्त प्रयोग कर रहा हूं। यदि आपकी बॉडी लैंग्वेज में दम है, यदि आपके चेहरे पे भाव आते और जाते हैं, तो आपकी भाषा वैसे ही बहुत छोटा स्थान रखती है। इसलिए भाषा के डर से सफलता की यात्रा में विराम मत लाइए। और दूसरी सबसे बड़ी चीज जो मैंने उन इंडस्ट्रियलिस्ट को समझाई और आपको समझा रहा हूं, मैंने उन सब से कहा, कितने साल से ये हीन भावना झेल रहे हो? बोले सर 20-30 साल से। कितने मौके गवाए? बोले सर सैकड़ों मौके। कितनी अपॉर्चुनिटीज जहां पर आप खड़े होकर लाइट में आ सकते थे आपने अवॉइड की? बोले सर बहुत सारे। क्या हर दिन हीन भावना होती? बोले सर हर दिन होती है। साथियों, मैंने उनसे पूछा, इस हीन भावना का कॉस्ट क्या है? क्या इंग्लिश सीखी नहीं जा सकती?
तो उसमें से एक ने तुरंत जवाब दिया, सर अब इस पोजीशन पे, इस डेजिग्नेशन में, इस समृद्धि के बाद सर कोचिंग जाके तो नहीं बैठ सकते। मैंने कहा मेरे दोस्त कोचिंग जाके नहीं बैठ सकते, कोचिंग तो तुम्हारे घर आ सकती है। अरे जिस टीचर के यहां सीखने जा रहे हो दोगुनी कॉस्ट दो, 3 times कॉस्ट दो, कितनी होम ट्यूशन की फैसिलिटी आ चुकी है, उस टीचर को घर बुला। और छोड़ो, मैंने बोला पांचों इंडस्ट्रियलिस्ट हो, अरे पांचों को सेम पीड़ा है, ऐसा क्यों नहीं करते कि एक हफ्ते टीचर एक के घर आएगा, आप पांचों बैठोगे, दूसरे हफ्ते टीचर दूसरे के घर आएगा, तीसरे हफ्ते, और टीचर को पहले से बोल देना कि भाई हमारा नाम बाहर नहीं आना चाहिए, जहां चाह है वहां राह है। आज के जैसा, आज के जितना अवसर इसके पहले कभी नहीं था। एंड्रॉइड फोन है, अरे स्मार्टफोन तो आपके टॉयलेट तक जाता है, एंड्रॉइड फोन, आईफोन कुछ तो होगा, अरे उसमें सैकड़ों ऐप है, कम से कम 1,000 ऐप है इंग्लिश सिखाने वाले। कैसे सीखना है? बोल के सीखना है, पढ़ के सीखना है, टाइप करके सीखना है, शब्द से सीखना है, लाइन से सीखना है, ग्रामर से सीखना है, कंपोजिशन से सीखना है, अरे किससे सीखना है? 1,000 ऐप है, इंग्लिश के अखबार है, इंग्लिश सिखाने वाली बुक्स है, इंग्लिश सिखाने वाले जर्नल्स है, इंग्लिश की मूवीज है, अरे हर तरफ मदद बिखरी हुई है। और तो और छोड़ो, मुकेश अंबानी भाई जी ने जो जियो दिया उससे डेटा आपके घर इतना सस्ते में आ गया, YouTube जिंदाबाद कर लो। YouTube में सैकड़ों वीडियो, सैकड़ों, मैं बोल रहा हूं एक बार सर्च डालोगे 1,000 से ज्यादा इंग्लिश सिखाने के वीडियो मिलेंगे। अब आपके पास YouTube है, आपके पास ऐप है, आपके पास बुक्स है, आपके पास न्यूज़पेपर है, आपके साथ पास कोचिंग है, इसके बाद भी हीन भावना झेल रहे हो तो कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार? आपके किचन में पानी रखा हुआ है, आपके पलंग के बाजू में पानी रखा हुआ है, प्यास से तड़प रहे हो, मर रहे हो, पानी उठ के नहीं पियोगे, कौन जिम्मेदार? मैं आपसे कहना चाहता हूं इस हीन भावना के जिम्मेदार सिर्फ आप है, और इस हीन भावना के डॉक्टर भी सिर्फ आप है, इलाज भी सिर्फ आप कर सकते हैं, सर्जरी भी सिर्फ आप कर सकते हैं, और आज से कर सकते हैं, अभी से कर सकते हैं, इसी क्षण से कर सकते हैं, एक भी बहानेबाजी के बिना कर सकते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन टाल मटोल के बिना कर सकते हैं। अरे जीवन भर इस हीन भावना के साथ जीने से अच्छा है 1 महीने इस हीन भावना पे हमला करो और मुक्त हो जाओ, नहीं तो कल और समस्या होगी। आप अपने स्कूल में बच्चों की पेरेंट टीचर मीटिंग में जाने से कतराओगे क्योंकि टीचर इंग्लिश में बात करती है, आप दूसरे बच्चों के पेरेंट से मिलने में कतराओगे क्योंकि वो भी इंग्लिश में बात करते हैं, कहां कहां कतराओगे, जिंदा रहोगे कि नहीं रहोगे लास्ट में? और छोड़ो, एक बात बताओ, मोबाइल में कोई प्रॉब्लम आती है आप अपने स्कूल जाने वाले बच्चे से सुधरवाते हो कि नहीं? आजकल बेटा इसको देख ले, बेटा इसकी थोड़ी टेक्नोलॉजी सही कर दे, इसको डाउनलोड कर दे, वही बच्चा भी आपको इंग्लिश सिखा सकता है, आपके घर का बच्चा सिखा सकता है। उसको बोलना रोज मेरे को 25 words सिखा, 1 महीने के भीतर 750 words याद आ जाएंगे, कई लाइंस याद हो जाएंगी, और इतना काफी है आपको लोगों के बीच जाने आने के लिए और घुलने मिलने के लिए। आपको बहुत लंबा चौड़ा नहीं सीखना है कि इंग्लिश के कोई प्रोफेसर बनना है या इंग्लिश का कोई कोर्स आपको नहीं चलाना है। जीवन भर की इस हीन भावना, जीवन भर के इस कमजोर पने का सॉल्यूशन 1 महीने में निकल सकता है, 1 महीने, लोवेस्ट कॉस्ट, जीरो कॉस्ट, रोज सुबह 1 घंटा दे दिए, 15 दिन के भीतर समस्या खत्म, जीवन भर की हीन भावना खत्म। तो दोनों मैसेज याद रखना, एक भाषा नहीं आ रही है तो भी विचार रखने से मत हिचकना, विचार में दम होगा तो भाषा की कोई दिक्कत नहीं, और हीन भावना के साथ और जीने से आज अभी इनकार करो, आज से सॉल्यूशन लो। और एक और बात आपसे कहना चाहता हूं, प्लीज मेरे इस वीडियो को जितनी ज्यादा लोगों तक हो सके पहुंचाना, कारण हजारों लाखों लोग, करोड़ों लोग इसकी वजह से मरे जा रहे हैं, इसकी वजह से उनका कैरियर अटक गया है, उन्होंने इस भावना को अपने अंदर इतना स्थान दे दिया है कि वो अब वाकई में बाहर लड़ने से कतराने लगे हैं। इस वीडियो की मदद से कुछ लोग भी जागे, कुछ ने भी YouTube की मदद ली, कुछ ने भी न्यूज़पेपर मैगजीन्स, कुछ ने भी मोबाइल ऐप की मदद ली, और उनका कॉन्फिडेंस इंप्रूव हुआ, तो आपकी और मेरी ये सबसे बड़ी समाज सेवा, सबसे बड़ी समाज सेवा, इतने में मेरी मदद करना। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।